हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो एंड चैनल सिंपली। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप रेडमी नोट 10 प्रो में पबजी की सेटिंग, ग्राफिक्स होते हैं BGMI के, वो सारे मैं आपको दिखाने वाला हूं कहां तक सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि इसमें पबजी कैसा चलता है या BGMI कैसा चलता है गाइस, ठीक है। ये सब आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं गाइस, ठीक है। आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही मेरा वीडियो आपके लिए सब लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आपको टाइम वेस्ट किए ना कुछ बकवास किए गाइस। सो गाइस सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसकी सेटिंग में क्या क्या मिल जाता है हमको रेडमी नोट 10 प्रो की। इसमें चलते सिंपली अबाउट फोन में जाते हैं अंदर, उसके अंदर आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे, देखिए सेटिंग जितनी होती हैं इसमें। आपको देखिए मेरा जो डिवाइस है वो गाइस 6128 में है, ठीक है। इसमें ऑक्टा कोर 2.3 गीगा हर्ट का में प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक है, जो कि 732G स्नैपड्रैगन का काम करता है, ठीक है। 732G स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और सिंपली बैक चलते देखते BGMI हमारा कितनी देर में स्टार्ट होता है और इसमें गेम प्ले हमको कैसा देखने मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ग्राफिक्स की भी बात करेंगे कि कहाँ तक इसमें सपोर्ट करता है, कितना FPS तक इसमें सपोर्ट करता है। तो सिंपली हमने BGMI को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सुबह जैसे कि देखिए हमारा BGMI स्टार्ट हो रहा है, देख कितनी देर में स्टार्ट होता है, ये इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर है गाइस, ठीक है। इसमें आपको फ्रेम काफ़ी अच्छे देखने मिल जाते हैं। FPS क्या होता है देखिए गाइस, बहुत से लोग सोचते हैं FPS क्या होता है। FPS गाइस होता है फ्रेम रेट पर सेकेंड, ठीक है। जो हमारा फ्रेम होता है उसकी पर सेकेंड की वो हमें बताता है कितना गिर रहा है, कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं FPS। तो अगर सिंपली देखिए हमारा स्टार्ट हो रहा है, सिंपली आप ग्राफिक्स कहाँ तक इसमें सपोर्ट करता है सब दिखाएंगे, साथ ही साथ एक TDM मैच आपको खेल के दिखाएंगे कैसा इसमें चलता है, स्मूथ चलता है या कैसे चलता है। तो अगर सिंपली हमारा आ चुके, ठीक है, लॉग में देखिए इसमें आपको देखिए कहाँ तक ग्राफिक्स सपोर्ट होने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें सिंपली ग्राफिक्स की सेटिंग में जाएंगे हम लोग, ग्राफिक की सेटिंग में आएंगे, सिंपली आपको देखिए स्मूथ पर आपको अल्ट्रा तक सपोर्ट मिल जाता है। अल्ट्रा का हमारा 40 FPS होता है, ठीक है। एक्सट्रीम होता है 60 FPS, उसको आता है 90 FPS का। तो यहाँ पे 40 FPS तक सपोर्ट मिल जाता है हमको, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैलेंस में भी HDR में हाई तक मिलता है, HDR में सपोर्ट नहीं है, अल्ट्रा भी सपोर्ट नहीं है, UHD भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमको इसमें कुछ सारी जो सेटिंग होती है ग्राफिक की वो सब देखने में मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब सिंपली बात करते हैं ऑडियो की, इसमें ऑडियो कहाँ तक मिलता है, लो तो हम मिलता ही मिलता है, ठीक है। इसमें अल्ट्रा नहीं मिलता है, ठीक है, अल्ट्रा नहीं मिलेगा, हाई तक इसमें सपोर्ट करता है, जिस तरीके से कुछ। सिंपली बैक आते हैं, आपको दिखाते हैं एक TDM खेल के कि TDM कितना स्मूथ या हार्डली चलता है, ठीक है। ये गाइस फ़ोन काफ़ी अच्छा है, हमारा जो नॉर्मल बजट होता है उसमें अच्छा फ़ोन है काफ़ी गाइस, ठीक है। हम खेल रहे हैं स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे गाइस, ठीक है। इसमें जो डिस्प्ले का मज़ा गाइस, ठीक है, वो काफ़ी शानदार है गाइस, ठीक है। डिस्प्ले का मज़ा इसमें इसलिए शानदार क्योंकि इसमें AMOLED सुपर AMOLED डिस्प्ले दे रखा है, ठीक है, 120 रिफ्रेश रेट के साथ, ठीक है। इसमें रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन पर जो बग्स आते हैं उसमें सिंपली क्लियर कर दिए जाते हैं रिफ्रेश रेट में। टच सेंसिटिविटी इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके खेल रहा हूँ तो गाइस, तो इसमें थोड़ा काफ़ी लैग करेगा फ़ोन, बट जो काफ़ी है रिकॉर्डिंग ऑफ करके आप खेल रहे हो तो काफ़ी अच्छा चलने वाला गाइस, ठीक है। रिकॉर्डिंग के साथ काफ़ी अच्छे फ़ोन सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मेरा थोड़ा हल्का सपोर्ट करता है, लव को हल्का सा फ्रेम ड्रॉप होता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से कुछ दम को देख गेम प्ले देखने मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग के साथ खेल के दिखा रहा हूँ, इस तरह से इसका फ्रेम काफ़ी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, बट काफ़ी अच्छा चलता है गाइस, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी मज़ेदार आने वाला है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी शानदार चलता है गेम, ठीक है। इसमें गाइस मैं एक बार बता दूं आपको, इसमें आपको ग्राफिक काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, डिस्प्ले और सेंसिटिविटी आपको कुछ अच्छी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। सुबह चलिए बैग चलते हैं गाइस, ठीक है। इसमें आपको ग्राफिक काफ़ी अच्छी देखिए, रिकॉर्डिंग के साथ इसमें गेम प्ले आपको सही देखने नहीं मिल पाया क्योंकि इसका प्रोसेसर इतना हाई भी नहीं है कि आप इसमें चला सके। बजट फोन है काफ़ी अच्छा शानदार फोन है। बैक आते हैं, इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मैच दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें ऑडियो आपको सपोर्टेबल नहीं है गाइस, ठीक है, वहाँ तक आपको देखने मिल जाती है ऑडियो, फिर से हम बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर सिंपली देखिए अल्ट्रा तक सपोर्टेबल नहीं है गाइस, ठीक है। जो गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है, देखिए आप रिकॉर्डिंग करते टाइम इसमें आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो जाए, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। जो कि मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी के फ़ोन होते हैं उनमें रिकॉर्डिंग सपोर्टेबल होता है, और जो फ़ोन होते हैं उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। इस तरीके से इसमें ग्राफिक आपको सपोर्ट देखने मिल जाती है, ग्राफिक हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, ठीक है, अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, आप कलरफुल हमने कर दिया था,
क्लासेस में काफ़ी अच्छे देखने को सपोर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके इसमें रेडमी नोट 10 प्रो में ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में काफ़ी अच्छा चलता है। देखिए अच्छा नहीं चलता होता तो मेरी क्वालिटी इतनी मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक है, इसमें दिक्कत ना करें आप, काफ़ी अच्छा चलता है, इसमें सपोर्टेबल है। ठीक है, 732 GB स्नैपड्रैगन काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो आपके इंस्टा में लाता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत गाइस।